तो गाइस यार अभी अभी हमें खबर आई कि हमारे पड़ोसी ने नया नया बिजनेस शुरू किया, इसलिए शेन चैनल में देखने जा रहे किस चीज का उन्होंने बिजनेस शुरू किया है। और ये क्या, यहाँ पे तो बहुत सारी बुलेट है, रॉयल एनफील्ड, इन्होंने तो रॉयल एनफील्ड बेचना शुरू कर दिया है। अरे फ्रैंकलिन, कैसा लगा मेरा नया बिजनेस? अरे अंकल, ये बिजनेस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपने तो रॉयल एनफील्ड बेचना शुरू कर दिया है। ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। अरे फेक्की में मुझे भी बुलेट चाहिए, बुलेट। अरे हाँ शिनचैन, तो बहुत मस्त लग रही है ये, हमें ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, व्हाइट, रेड, ब्लू, और भाई कितने ज्यादा मस्त मस्त कलर है। फ्रैंकलिन, मैंने बुलेट बेचना शुरू कर दिया है, ये सारी गाड़ियां बेच के 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, फिर 100 करोड़ से बुलेट का शोरूम खोलूंगा, फिर बुलेट का शोरूम कल खोल के 1000 करोड़ रुपए कमाऊंगा, उसके बाद मैं दुनिया खरीदूंगा, लॉस सेंटोस खरीदूंगा। अंकल आपके सपने तो बहुत ही अच्छे हैं, पर ये बुलेट है कितने की? मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, तो मुझे तो फ्री में दोगे ना? फ्री में तो मैं अपने बच्चे को भी नहीं देता, तेको को दूंगा। एक बुलेट के $5 लाख की। क्या $5 लाख? इतनी ज्यादा महंगी? हाँ फ्रैंकलिन, ये मेरी बुलेट है, बहुत ही ज्यादा महंगी और बहुत ही ज्यादा अच्छी। अगर तुझे खरीदनी है तो खरीद, बहुत सारे लोग हैं लाइन में। लाइन में? यहाँ पे तो मुझे कोई भी लोग नहीं दिख रहे, सिर्फ यार पत्थर और मिट्टी दिख रही है। अरे तो आ जाएंगे, कभी ना कभी तो आ जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। और रिकॉर्ड ये बुलेट तो समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एक बार मुझे टेस्ट ड्राइव तो दे दो। नहीं नहीं नहीं, पहले खरीदो। अरे एक बार बस टेस्ट ड्राइव दे दो। बोला ना नहीं, निकलो ऐसे। मैं आपको ननेको दीदी का नंबर दूंगा। नहीं, ननेको दीदी का नंबर मत देना। ओके, अगर तुम ननेको दीदी का नंबर दोगे तो टेस्ट ड्राइव दूंगा। ओके, मैं आपको नंबर जरूर दूंगा। अरे फेक्की भी ये क्या कर रहे हो, ननेको दीदी का नंबर क्यों दे रहे हो? अबे शिनचैन चुपचाप बैठ जाए, टेस्ट ड्राइव देनी है। चलो गाइस फटाफट से चलाते हैं इस रॉयल एनफील्ड को, कितनी ज्यादा खतरनाक है ये। और एक गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे हम व्हीली भी कर सकते हैं। ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अरे फेक्की में, अरे फेक्की में मुझे भी बुलेट चाहिए। अबे शिनचैन चाहिए तो मुझे भी, पर $5 लाख की, बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ी है। कितनी ज्यादा मस्त लग रही है, इसको चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अरे फ्रैंकलिन मेरी गाड़ी को छोड़ दो। अरे हाँ हाँ छोड़ दिया, तो मुझे बताओ ये रेड वाली कितने की है? $6 लाख। और ये व्हाइट वाली? $8 लाख। और ये ब्लैक वाली? $9 लाख। अरे तो सबसे सस्ती वाली कौन सी है? सबसे सस्ती मेरे पास एक सेकंड हैंड बुलेट है, जो कि ये जो कि तुम टेस्ट ड्राइव कर रहे थे, ये मेरी बुलेट है, इसको तुम $5 लाख में खरीद सकते हो। क्या $5 लाख में सेकंड हैंड बुलेट? अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी है शिनचैन। अरे फेक्की में प्लीज खरीदो ना, फेक्की में प्लीज खरीदो ना। अरे मेरी बात सुनो, कुछ अच्छा प्राइस दे दो, मैं खरीद लूं। फ्रैंकलिन तुम्हारे लिए $4,90,999। क्या सिर्फ $1 कम किया? नहीं चाहिए मुझे शिनचैन। अरे फेक्की प्लीज खरीद लेना। अबे शिनचैन इतनी ज्यादा महंगी गाड़ी कौन खरीदेगा भाई, इससे अच्छा तो मैं अपनी बाइक पे घूमूंगा, मेरी बाइक इससे भी ज्यादा अच्छी है। ये दिखाता हूँ आपको कितनी ज्यादा अच्छी ये बाइक है। अरे फेक्की में चला के दिखाऊं? चला के अभी दिखाता हूँ शिनचैन, चल जा। अरे ये गाड़ी तो चली नहीं रही। अरे मेरी गाड़ी को क्या हो गया? अरे फेक्की में आपकी बाइक 10 साल से खराब है, आपके पास तो बाइक ही नहीं है। अरे यार ये क्या हो गया, मेरी बाइक चल क्यों नहीं रही? अरे फेक्की में बोल रहा बुलेट खरीद लेते हैं। अबे शिनचैन तू बोल तो रहा है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बुलेट खरीद सकूं। अरे फेक्की में आप तो गरीब के गरीब ही रहोगे। अबे शिनचैन अपने पास इतनी मस्ती गाड़ी है ना, इसमें घूमेंगे। अरे फेक्की में इसमें पेट्रोल नहीं है। अरे पेट्रोल तो भरा लेंगे, कोई बात नहीं। अरे फ्रैंकलिन चलो चलो छुट्टे नहीं, आगे बढ़ो। मैं छुट्टे मांगने नहीं हूं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा मैं सारी की सारी बुलेट खरीदूंगा, और जो तुम्हारा बुलेट शोरूम बनाने का सपना है ना, वो मैं पूरा करूंगा। मैं खुद के लिए रॉयल एनफील्ड का शोरूम खोलूंगा। अबे चल चल वरना चप्पल मारूंगा। अरे हाँ जा रहा हूँ, तुम देख लेना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा मैं रॉयल एनफील्ड का शोरूम खोलूंगा। तो गाइस अगर आप चाहते हो मैं रॉयल एनफील्ड का शोरूम जल्दी से जल्दी खोलूं, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब करोगे, जितना ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी जल्दी हम रॉयल एनफील्ड का शोरूम खोलेंगे। और गाइस मैं ये भी देखना चाहता हूँ किस किस को रॉयल एनफील्ड की स्पेलिंग आती है। मुझे तो नहीं आती, शिनचैन को भी नहीं आती। आप फटाफट से कमेंट करके बताओ आपको रॉयल एनफील्ड की स्पेलिंग आती है, तो फटाफट स्पेलिंग कर देना। फेक्की मुझे तो आती है, बता शिनचैन। अरे फेक्की में ROYAL। हाँ रॉयल की तो कोई एनफील्ड की बता। अरे फेक्की में KTM। KTM? अबे एनफील्ड शायद शिनचैन को भी नहीं आती, आप फटाफट से कमेंट करके बता दो। साइमन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, ये मुझे सस्ती सस्ती बाइक दिलाएगा। साइमन भाई क्या हाल है? अरे फ्रैंकलिन मैं तो बहुत ही अच्छा, रॉयल एनफील्ड का बहुत ही अच्छा स्टॉक आया, तुमको चाहिए क्या? क्या तुम्हारे पास भी रॉयल एनफील्ड की बुलेट चाहिए? तो गाइज़ अभी आप देख लो, साइमन ने भी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के बुलेट ले लिए। अरे फेक्की में चलो ले लेते ब्लैक वाली। ये ब्लैक वाली अच्छी तो बहुत ही लग रही है। साइमन कितने की है? अरे फ्रैंकलिन तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत
मुझे पता है, तभी तो तुम्हारे पास आया हूँ। तो मैं तुम्हें दूंगा सिर्फ $1 million में। क्या 1 million? अबे ये तो पागल हो गए। मेरे फेंकी में क्या हो गया? अबे वो बोल रहे $1 million की। अरे इससे अच्छा तो मेरा पड़ोसी दे रहा था, वो तो $7 lakh में दे रहा था। अरे फ्रैंकलिन वो चाइना का माल होगा, मेरे पास तो $1 million से स्टार्टिंग है। ब्लैक वाली 1 million, ग्रीन वाली 2 million, रेड वाली 1.5 million, फिर 3 million, 4 million। अरे तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा महंगी है, मुझे नहीं चाहिए। अरे फेंकी मुझे तो चाहिए ना। अबे शिनचैन तू देख ले, मैं तो नहीं दिलाने वाला इतनी ज्यादा महंगी महंगी बाइक। अरे भैया मेरी बात सुनो। अरे क्या हो गया? अरे भैया आप ऐसी बाइक खरीदना चाहते हो क्या? खरीदना तो चाहता हूँ पर पैसे नहीं है। भैया अगर आप मेरा एक काम करोगे तो आप ऐसी 10 बाइक खरीद पाओगे, बहुत पैसा दूंगा। क्या सही में? बताओ कौन सा काम करना है। चलो भैया आपको बताता हूँ कैसे कमाते हैं $100 million। हाँ चलो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। साइमन बस रुक जा, आके सारी की सारी रॉयल एनफील्ड खरीद के जाऊंगा। तो कैसे अभी भैया मुझे मिले जो की मेरी मदद करने वाला है पैसे कमाने में। अरे भैया टेंशन मत लो, 100-200 रॉयल एनफील्ड तो आराम से खरीदोगे। क्या 100-200 रॉयल एनफील्ड? मजा आने वाला है। अरे अरे गांव वालों मेरी बात सुनो, आज हमारा काम कंप्लीट होने वाला है। अरे बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया बढ़िया। अरे ब्रो बहुत बढ़िया। अरे ऐसा क्या करने वाला हूं मैं? मेरी बात सुनो फ्रैंकलिन, क्या तुम्हें चाहिए बहुत सारे बुलेट और $1 million? हाँ चाहिए। तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, ये जो पीछे सारे के सारे डब्बे हैं इनको डिलीवर करना पड़ेगा। बस इतना सा काम, इसको तो मैं अभी के अभी कर देता हूँ, जल्दी इनको ट्रक में अपलोड करो। अरे अरे मेरी बात सुनो फ्रैंकलिन। हाँ क्या हुआ क्या हुआ? बस तुम्हें पुलिस से दूर रहना पड़ेगा, अगर पुलिस ने तुमको पकड़ा तो तुम कौन हम कौन? तुम हमारा नाम नहीं लोगे, हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, हम तुम्हें जानते ही नहीं है। अरे ऐसा क्या है इसमें? इसमें किसी को बताना मत, गोला बारूद लॉस सेंटोस को उड़ाने के लिए। क्या लॉस सेंटोस को उड़ा रहे? अरे पागल हो क्या? मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अरे फेंकी मैं भी नहीं करूंगा ऐसा काम। फ्रैंकलिन $1 million चाहिए कि नहीं? पैसे तो चाहिए पर मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जाओ फ्रैंकलिन, हमें तुम्हारे घर का पता पता है, अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो सारे बॉम्ब तुम्हारे घर में फिट कर दूंगा और बूम। अरे नहीं ऐसा मत करना, मैं तुम्हारा काम करूंगा, बताओ कहाँ डिलीवरी करनी है। बहुत अच्छे फ्रैंकलिन, हम तुमको एड्रेस देते हैं, जाके पूरी डिलीवरी करके आओ। तो गाइस अभी सारा का सारा सामान यहाँ पे लोड हो चुका है, शिनचैन हमारे साथ बैठ चुका है और ये सारी की सारी डिलीवरी हमको करनी है एक एड्रेस पर जो कि हमें दिया गया है, पूरी की पूरी डिलीवरी करनी है। इसके अंदर खतरनाक बॉम्ब ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो हमें गाड़ी को बिल्कुल ढंग से चलाना पड़ेगा। तो गाइस इस वाली ट्रक को हम लेके पहुंच चुके जहां पे अपनी डिलीवरी वाली लोकेशन थी और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग खड़े। आ जाओ शिनचैन, ये लो सर आपका पूरा का पूरा डिलीवरी आ चुकी है, फटाफट से मुझे $100 million दे दो। ये तो पागल हो गया क्या बेटा, $100 million कितने से डिलीवरी के? तुमको तो इसके सिर्फ $1 lakh मिलेंगे। क्या $1 lakh? $1 lakh में तो एक भी बुलेट नहीं आएगी। अरे सर ऐसा मत करो, मुझे तो बोला था $100 million मिलेंगे। तुम्हें इस कंटेनर की डिलीवरी करनी पड़ेगी अगर तुम्हें $100 million चाहिए, वो भी इस हेलीकॉप्टर से। क्या इस कंटेनर की डिलीवरी? हाँ फ्रैंकलिन, और इसमें तो तुमको पता ही है क्या होगा। हाँ बॉम्ब होंगे और क्या होगा? नहीं 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 सिर्फ बॉम्ब नहीं, इसमें है न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि पूरे वर्ल्ड को उड़ाने में काम आएंगे। क्या पूरे वर्ल्ड को? अरे ये सब लोग क्या कर रहे हैं, कोई लॉस सेंटोस उड़ा रहा है, कोई वर्ल्ड उड़ा रहा है। अच्छा ठीक है सर, मैं इसकी डिलीवरी करता हूँ, फिर तो मुझे 100 मिलियन मिल जाएगी ना। हाँ फ्रैंकलिन तुम्हें 100 मिलियन मिल जाएंगे, बस एक बार इसकी डिलीवरी कर दो। ओके चलो गाइस फटाफट से चलते हैं अब इस हेलीकॉप्टर को लेके, इस कंटेनर की करनी है हमें डिलीवरी, फिर हमें मिलने वाले हैं $100 million। फटाफट इस हेलीकॉप्टर को उड़ा लेते हैं। आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना आते हैं? अबे शिनचैन मुझे सब आता है। तो गाइस हेलीकॉप्टर हमारा उड़ चुका है, फटाफट इसको अटैच कर देते हैं यहाँ पे। तो गाइस हेलीकॉप्टर से कंटेनर हमारा अटैच हो चुका है और हम निकल चुके हैं डिलीवरी करने के लिए। ये पूरा कंटेनर हमने उठा लिया जिसमें बहुत ही खतरनाक RDX, कुछ भी अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर ठुका तो बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इसके बाद तो रॉयल एनफील्ड खरीद पाएंगे बहुत सारी। तो गाइस उस लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें करनी है खतरनाक सी डिलीवरी, फटाफट अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड कराते हैं और यहाँ पे हमने सक्सेसफुली डिलीवरी कर दी है। अंकल फटाफट से मेरे $100 million दे दो। क्या इस वैन में $100 million? $100 million कहाँ पर हो तुम, मेरे पास आ जाओ। ए बुड़ो लोग मेरी बात सुनो, 100 मिलियन तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता,
अगर चाहिए तो $2,00,000 दे सकता हूँ। क्या सिर्फ 2 लाख? अरे ये क्या चल रहा है, वो 1 लाख दे रहा था, ये 2 लाख दे रहा है। इसमें से तो एक भी रॉयल एनफील्ड नहीं खरीद पाएंगे शिनचैन। एनीवे की आप क्या करेंगे, ये सारा काम मेरा वेस्ट हो गया। अरे अंकल उन्होंने तो बोला था मुझे $100 मिलियन मिल सकते हैं। ओहो तुम $100 मिलियन वाला काम करना चाहते हो क्या? सामने देखो 3-3 खतरनाक बॉम्ब्स है जिनको लॉस सेंटोस में 3 जगह तुम्हें फिट करना पड़ेगा। अगर वो काम किया तो $100 मिलियन। क्या एक और काम, वो भी 3-3 जगह बॉम्ब फिट करने का? अरे कैसा, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा गलत काम करा रहे। करना है तो बताओ, 100 मिलियन अभी के अभी दूंगा। अभी के भी दो पहले बॉम्ब तो सेट करो फिर दूंगा। अरे यार एनीवे कर लेते क्या हो गया। अच्छा ठीक है कर लेते, तो गाइस हमें एक और काम करना पड़ेगा, 3 बॉम्ब्स को फिट करना पड़ेगा लॉस सेंटोस में। एनीवे की मैं इसके बाद तुम्हें पक्का 100 मिलियन मिल जाएंगे। हाँ शिनचैन इस डिलीवरी के बाद तो पक्का हमें $100 मिलियन मिलने वाले हैं। चलो गाइस तीनों लोकेशन में अपने बॉम्ब लगा देते हैं, फिर हमें मिलने वाला है $100 मिलियन। एनीवे की मैं मैंने फिट कर दिया। तो गाइस अभी शिनचैन ने ये वाला बॉम्ब यहाँ पे फिट कर दिया लॉस सेंटोस के बीचों बीच। अभी इसके बाद जाके हम यार 2 बॉम्ब और प्लांट करने वाले। फिर उन्होंने बोला कि बैंक अकाउंट मेरे सारे पैसे आ जाएंगे। अभी मेरे बैंक अकाउंट में $0 से मैंने सारे के सारे पैसे हटा दिए कि जैसे पैसा है बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एक बॉम्ब तो प्लांट कर दिया, फटाफट से दूसरा करते हैं। तो गाइस यार एक और बॉम्ब प्लांट हो चुका है लॉस सेंटोस की सबसे बड़ी बिल्डिंग मेज बिल्डिंग पर। इधर लगता है बहुत सारे लोग होते होंगे इसलिए उन्होंने यहां पे बॉम्ब प्लांट करवाए। तो 2 बॉम्ब प्लांट हो चुके हैं और एक हमें बीच के वहां पे बॉम्ब प्लांट करना है। फटाफट से चलते हैं अपने बॉम्ब प्लांट करते हैं और फिर हमें मिलने वाला है $100 मिलियन। तो गाइस यार एक और बॉम्ब वहां पे अपने प्लांट कर दिया। अब देख सकते हो सामने वो बड़ा सा बॉम्ब दिख रहा है। फटाफट से यहां से निकल लेते हैं उससे पहले कि कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट हो। इस बीच पर हो चुका है बॉम्ब प्लांट, फटाफट से यहां से निकालते हैं। रुको एक सेकंड, कुछ ना कुछ तो नोटिफिकेशन आया। एनीवे की में क्या हो गया? अरे मुझे लगता है बैंक में हमारे पैसे आ चुके। चलो गाइस यार फटाफट से देखते हैं कितने पैसे हमें मिलने वाले। 3-2-1। तो गाइस यार हमें यहां पे मिल चुके 2,147,470,797 डॉलर्स, मतलब हमें $2 बिलियन मिल गए। लगता है गाइस यार हम जो तीनों काम किए थे उसकी पेमेंट एक ही बारी में मिल चुकी है और हमारे मिल चुके $2 बिलियन। इससे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एनीवे की मैं रॉयल एनफील्ड बुलेट। अरे रॉयल एनफील्ड बुलेट नहीं शिनचैन, अब तो हम पूरे के पूरे शोरूम खरीदेंगे लॉस सेंटोस में। जितनी रॉयल एनफील्ड होगी सब की सब खरीदेंगे और फरारी लैम्बोर्गिनी घर होटल जो भी चाहिए पूरा लॉस सेंटोस खरीद सकते हैं। पर एक सेकंड, लॉस सेंटोस को तो ये ब्लास्ट करने वाले हैं, फिर हम रहेंगे कहां पे? अरे गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो चुकी है। अगर हम रॉयल एनफील्ड यहां पे सब चीजें ले लेंगे पर ये लॉस सेंटोस तो ब्लास्ट हो जाएगा, हमें कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो गाइस एयरपोर्ट पर हम आ चुके हैं, अभी बताता हूं हमारा प्लान क्या है। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे प्लेन्स खड़े, 1, 2, 3 और 4। इसमें से 3-3 कार्गो प्लेन है और इन कार्गो प्लेन में एक में है बहुत सारी रॉयल एनफील्ड की बुलेट जो कि अभी मैं चला रहा हूँ। ऐसी यार बहुत सारी इस कार्गो प्लेन के अंदर है, कम से कम इसमें 100 बुलेट्स है। और इस वाले में यार बाकी सारी चीजें जो भी चाहिए थी महंगी अपने गाड़ियां रख ली है वो इस वाले कार्गो प्लेन में, और गोल्ड ज्वेलरी और भी बहुत सारा कैश सबका सब अपने लॉस सेंटोस के बैंक में से निकाल के इस वाले कार्गो प्लेन में डाल दिया। $2 बिलियन थे इसलिए पूरा कार्गो प्लेन ही लग गया इसको करने के लिए। और ये हमारा प्लेन जिसमें हम जाने वाले इस कंट्री को छोड़ के, लॉस सेंटोस को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि गाइस यहां पे आपको पता होगा यहां पे ब्लास्ट होने वाला है तो यहां पे रहने का कुछ भी फायदा ही नहीं है। हम जा रहे हैं लॉस सेंटोस को छोड़ के दुबई, वहां पे जाके रहेंगे, सारा का सारा पैसा उड़ाएंगे और ऐसे रॉयल एनफील्ड चलाएंगे, लैम्बोर्गिनी चलाएंगे और नए नए घर लेंगे दुबई में, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अभी मैं निकल रहा हूं, कार्गो प्लेन भी हमारे पीछे पीछे आने वाले, सीधा दुबई में हम सब मिलेंगे, सारा सामान उतारेंगे और दुबई में मजे करेंगे। तो गाइस अगर आपको देखना है कि दुबई में हम क्या क्या करने वाले हैं फटाफट से कमेंट में कर देना नेक्स्ट पार्ट। और गाइस हम मिलेंगे आपसे दुबई में, तब तक के लिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता ना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके जो ना फॉलो करना, हम जा रहे दुबई, आप भी जाओ दुबई सब्सक्राइब करके। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।